पाकिस्तान सुपर लीग में जहां पर बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड्स बनते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी बनते हैं जो कि आप जब सुनेंगे तो डेफिनेटली हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड्स किसी को भी पसंद होते नहीं हैं। लेकिन आज उसी एक बैड रिकॉर्ड्स की बात करते हुए हम एक ऐसे रिकॉर्ड की बात करने लगे हैं जो कि किसी और के पास रिकॉर्ड नहीं है, किसी और कैप्टन के पास रिकॉर्ड नहीं है। आज हम कैप्टन रिकॉर्ड की बात करने वाले हैं और कैप्टन सरफराज की बात करने वाले हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंसेस करते रहे सरफराज अहमद, कैप्टन रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के अभी तक तमाम के तमाम सीजन्स में। आपको बताता चले कि क्वेटा ग्लैडिएटर का सफर पीएसएल में बहुत ही शानदार रहा, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उनकी परफॉर्मेंस ऐसी बिलो द बेल्ट गई कि एक और गंदा रिकॉर्ड इस वक्त सरफराज के नाम हो चुका है। दोस्तों 2016-17 में फाइनलाइज रहने वाली ये टीम, फाइनल में पहुंचने वाली टीम, आपको बताते चले कि जनाब 2019 में पहली दफा टाइटल जीती थी और एक दफा बेहतरीन तरीके से पीएसएल की ट्रॉफी अपने सर पर सजा चुकी है। 8 विकेटों से शिकस्त दी थी उन्होंने पिशावर जलमी को 2019 में और मोहम्मद हसनैन ने मैन ऑफ द मैच करार पाया था और सरफराज अहमद की कप्तानी में क्वेटा ग्लैडिएटर ने ये टास्क, ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था और पीएसएल की ट्रॉफी भी अपने नाम की थी और ये टास्क बड़े ही बखूबी तरीके से निभाया था सरफराज अहमद ने। लेकिन उसके बाद टाइटल जीता क्या, उसके बाद ऐसी नजर लगी पीएसएल की इस फ्रेंचाइज को जिनकी कप्तानी सरफराज कह रहे हैं कि ये फ्रेंचाइज कभी भी प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच सकी, तो इस वक्त पीएसएल की हिस्ट्री के सबसे गंदे कप्तान का रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त सरफराज अहमद के पास आ चुका है कि लगातार 4 साल हो चुके हैं वो प्लेऑफ नहीं खेल सकी, पूल मैचेस से ही बाहर हो चुकी है। 2020, 21, 22 और 2023, इस वक्त ये तीनों चारों साल जो है इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए डरावना ख्वाब साबित हुए हैं, क्योंकि 4 साल कंजेक्टिवली लगातार कोई ऐसी फ्रेंचाइज के पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वो प्लेऑफ में ना पहुंच सके। लेकिन सरफराज अहमद ये रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं कि लगातार 4 दफा क्वेटा ग्लैडिएटर इस वक्त राउंड मैचेस से बाहर हो चुकी है और प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच सकी। तो सबसे रस्ट कैप्टन का अवार्ड इस वक्त जाता है सरफराज अहमद के हाथों। और आपको बताता चले कि जिस तरह से क्वेटा ग्लैडिएटर ने 2019 में ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद उनसे बहुत उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस हर साल नीचे से नीचे होती गई। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि 2024 में आने वाली पीएसएल में किस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाती है क्वेटा ग्लैडिएटर। तो दोस्तों जल्दी से एक दफा जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाले इसी तरह के रिकॉर्ड्स आप सब लोगों के साथ शेयर करते रहें।